3.3 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ दीज एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। ओके बेटा, तो देखो बच्चों, आपके पास टू स्क्वायर्स हैं, डिफरेंस की जब बात हो रही है तो बेटा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। स्क्वायर तो आप जानते ही हैं ना बेटा, स्क्वायर क्या होते हैं, जिसकी आमने सामने की मतलब चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ चारों जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ओके बेटा, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है। मान लेते हैं बड़े वाले का जो साइड है वो एक्स है, और छोटे वाले का साइड कितना है वो वाई है। ये फिगर से पता चल गया होगा, लेट स्क्वायर ऑफ बिग सर्कल इज एक्स। सर्कल दे रखा है ना, क्या दे रखा था, सर्कल थोड़ी ना स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर ही बनाया हमने, तो लेट कर देंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बिग साइड, लेट बिग लेट साइड ऑफ बिग स्क्वायर इज एक्स एंड स्मॉलर इज वाई। ये लिख देने के बाद आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। बेटा फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो डिफरेंस है, नहीं सम है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। यानी कि पहले वाले का स्क्वायर करोगे, ठीक है, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एरिया जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है जो भी आपके साइड है उसका ऊपर क्या लग जाता है स्क्वायर। तो साइड एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साइड वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना दे रखा है 468। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये पहला हमारे पास इक्वेशन बन के रेडी हो गया। ठीक है बेटा, ओके, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में ये बोला गया है कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। पैरामीटर क्या होता है बेटा, पैरामीटर होता है, अगर मैं बात करूँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है। सो डिफरेंस यानी कि इसका पैरामीटर और इसके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो 24 दे रखा है। बड़े वाले का पैरामीटर होगा 4x, छोटे वाले का पैरामीटर होगा 4y, और जिनका डिफरेंस है वो कितना दे रखा है बेटा 24। यहाँ से 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकालो तो 4 जब कॉमन आ जाएगा यहाँ से x बचेगा, 4 बाहर आ गया यहाँ से y बचेगा, 24 4 6 आर 24, यानी कि ये सॉल्व होगा, क्या मिल गया मुझे x माइनस वाई मुझे क्या दे रहा है 6 दे रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो देखो बेटा, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा ना, जो अगर आप x का मान निकालेंगे, ठीक है, तो वो माइनस का वाई इधर के क्या हो जाएगा बेटा प्लस का वाई। ये प्रॉपर इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इसे लिखिएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, इस x के मान को उठाकर आपको यहाँ रख देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जगह खींच दी तो यहाँ लिखूँगा मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहले में रखे हमें क्या मिलेगा, तो x के जगह पर रखना है बेटा, x के जगह पर रखा हमने 6 + y होल स्क्वायर, फिर यहाँ क्या ऑलरेडी वाई स्क्वायर, और उधर क्या है 468। ठीक है, खोल देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, वाई स्क्वायर इधर है 468। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y², ठीक है, प्लस की 12y 36, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 468। तो यहाँ बचा 2y² 12y, 36 था 468 था, घटा देंगे 36, तो यहाँ बचेगा 432। दो का भागा सब में दे सकता हूँ मैं, 2 माइनस निकाल दूँगा, वाई स्क्वायर 2 × 12, 2 × 4, 2 × 1 = 2, 2 × 12। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y - 216,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, ज़ीरो के अपॉन में आएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन के रेडी है। अब जस्ट इसको अभी हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब हमें क्या करना है बेटा, इरेज करना है थोड़ा सा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड को रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे दो नंबर सोचने हैं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट वन है, मल्टीप्लाई करने में 200, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 216 आता हो और आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आता हो, ठीक है बेटा। ऐसे दो नंबर, तो देखो बेटा 18 और 12 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 18 एंड 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, और 18 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 6, ठीक। सो देखो बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर 18y माइनस के 12y और इधर है 216, एक पेयर दूसरा पेयर, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा y कॉमन, वाई स्क्वायर से बाहर y बाहर निकालोगे बेटा वाई बचेगा, ये वाई बाहर है तो यहाँ 18 बचेगा, यहाँ से 12 बाहर आएगा, वाई बचा, अंदर नेगेटिव है, भीतर का साइन चेंज प्लस हो गया, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 12 वन जा 12, कितना बचा, 12 बाहर निकालो, 8 और 9 96, 12 12 98, तो 12 8 पूरा पूरा चला गया। जो दो बार है उसे हम एक बार निकालते हैं, लिखते हैं फैक्टर बनाने के लिए, और जो आपने कॉमन निकालना है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक। इफ़ वाई प्लस 18 इज़ इक्वल टू 0, तो वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 18, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वाई आपका क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है ये, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। इफ़ वाई माइनस सॉरी इफ़ वाई माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, तो माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि छोटे वाला साइड कितना होगा बेटा, 12 मीटर का होगा, और बड़ा वाला साइड वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दूँ, है ना, तो वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 12 यानी कि 18, तो ये आ जाएगा 18 मीटर इसका साइड। यही आपसे पूछा गया था, आराम से निकल गया।